वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि मंडी हारने का उन्हें दुख है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि प्रदेश की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ताज बदला, ना कि रिवाज बदला। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंडी जिला में एक ही सीट जीत पाई है, लेकिन यह सीट कांग्रेस ने भाजपा के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री के बेटे को हराकर जीती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी बेहतर कार्य कर रही है। पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में मंडी जिला में केवल दो ही विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य होते थे। कांग्रेस के समय मंडी जिला के 10 के 10 विधानसभा सीटों पर एक समान विकास होगा। कौल सिंह ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को विभाजित करने का काम कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी कुछ लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 26 जनवरी से शुरू करेगी। इस कार्यक्रम के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी बैठक भी होगी। अपने बयान को जारी रखते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ निकाली गई चार्जशीट भी जनता तक पहुँचाई जाएगी। आने के बावजूद हमें खुशी है कि रिवाज नहीं बदला है लेकिन ताज बदला है। जयराम की सरकार गई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है। उस सरकार के बढ़ने पर हम बधाई दे देते हैं। सुक्खू को और सभी मंत्रियों को हमने व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार चुनाव में जो वायदे किए हैं, चुनाव घोषणा पत्र है, उसको जो है चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगी। अच्छी लोगों को अच्छी, ईमानदार, स्वच्छ और विकास देने वाली सरकार जो है ये साबित होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो दूसरा कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है 26 जनवरी से शुरू होगा, 2 महीने तक चलेगा। 1 महीने तो हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम 1 महीने में चलेगा और हर पोलिंग बूथ तक जो है लोग पैदल चलेंगे, पार्टी का झंडा लेंगे और गांव-गांव में पार्टी का झंडा भी लगाएंगे, बूथ लेवल पे पार्टी का झंडा लगाएंगे और उसे अगले बूथ में जो है फिर दूसरे जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी है, उसमें शामिल होंगे और हर पंचायत में एक एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव।